नमस्ते फ्रेंड्स, आज बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में। डॉर्मेसी से निकलने के बाद मनी प्लांट में हम ऐसे क्या फर्टिलाइज़र दें जिसकी इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो और बहुत अच्छे से वो चले भी। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि मनी प्लांट तो हर कोई लगाना चाहता है अपने घर में, और इसको धनवर्षा का भी प्लांट कहते हैं। और इसको बहुत आसानी से कटिंग से आप लगा सकते हो, बॉटल में भी बहुत ईजिली लग जाती है और मिट्टी में भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कटिंग से लगाया था, काफ़ी पुराना हो चुका है मेरा। और इधर इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस टाइम इसके पत्ते पीले होकर बहुत ज़्यादा गिर गए थे। तो अभी धीरे धीरे इसमें न्यू मतलब पुराने ही पत्ते हैं, लेकिन देखिए इसकी मतलब ग्रीन ग्रीन अभी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो जब मनी प्लांट में आप जो है मॉस स्टिक का यूज़ ज़रूर करें, चाहे वो आप नर्सरी से लें या खुद बनाएं। अगर खुद बनाएं आप तो जूट के बोरे का यूज़ आप ज़रूर करें। जैसे कि मैंने इसको बनाया है, जूट का बोरा लगा के फिर मैंने इसको रस्सी से ऊपर जो नारियल वाली रस्सी आती है उसको लपेट दिया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और सेकेंड ये है कि जब आप इसकी गुड़ाई जो आप करें ना, हमेशा ऊपर से किसी भी मतलब चाकू वगैरह से बस हल्की, क्योंकि इसकी रूट्स पूरी ऊपर ही ऊपर बंधी रहती हैं। अगर आपने एक भी बहुत ज़्यादा गुड़ाई अगर अंदर से की तो इसकी रूट कट सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, इसमें अब देखिए, ये जो मेरा दूसरा वाला ये काफ़ी पुराना है, इस पर भी मैंने ऐसे ही मॉस स्टिक बना रखा है। और मॉस स्टिक जो होता है ना, वो जो इसकी एरियल रूट्स होती हैं, जैसे कि जो ये नॉड एरिया होता है, ये देखिए आप ये देख सकते हैं ये वाइट वाला, तो यहीं से ये जो है ये मॉस स्टिक में यूज़ हो जाती है। और ये बहुत अच्छे से मतलब इसमें होकर के बहुत अच्छे से चल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा बहुत पहले पुराना है, तो मैंने उस टाइम इतना मैं वीडियो नहीं बनाती थी और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता था, तो जैसे ये था वैसे ही मतलब मैंने कभी इसको कट नहीं किया, ये ऐसे ही फैलता रहा। तो ये वैसे भी फैलता है तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी जो है मतलब डॉर्मेसी पीरियड में जितने प्लांट्स हैं ना, सारे पत्ते पीले हो गए, काफ़ी मैंने पत्ते इसके निकाल दिए। पहली बात तो फ्रेंड्स, इस पर कई बार ऐसा होता है कि जो इसके पत्ते होते हैं ना, अगर जैसे अभी मेरा कोई भी इसमें पत्ता है, आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा, इसकी जो इसको आप निकाल करके हटा दीजिए, जो जल जाते हैं वो अधिकतर पानी पानी देने के बाद जब तक पत्ते बहुत ज़्यादा जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और पहली बात तो फ्रेंड्स ये देखिए कि जो पत्ते जो बर्न हो जाते हैं ना, पानी बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तभी ऐसा होता है। और सेकेंड ये है कि जब आप इसका इसके जो रूट्स होते हैं उसका जो सॉरी जैसे कि अगर आप इस टाइम जो है फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हैं जो भी है, चाहे वो जैसे कि अभी मैंने बना रखा है ये एलोवेरा, मैंने इसको जो है तीन से चार घंटे इसको भिगो के रखा था। और ये जो है चाय पत्ती का है पानी है, आप चाय पत्ती इसमें सुखा के भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो, आप ऐसे भी दे सकते हो। और जैसे कि अभी देखिए कि ये जो मेरा जो है ना एलोवेरा का, मैंने इसको जो है चार घंटे पहले ही बना करके रखा हुआ था, और ये जो है चाय पत्ती और पानी को मिला करके मैंने इसको भी 24 घंटे के लिए रख दिया था। तो आप फ्रेंड्स इन दोनों का, जैसे कि कहते हैं कि एलोवेरा का यूज़ जो होता है, इसकी पत्तियां जो है बहुत ग्रीन और लश बनाती हैं, तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हो और मिट्टी में भी दे सकते हो। और दोनों को अगर आप छान करके मिक्स करके देते हो ना, तो आपको मनी प्लांट में जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही अमेजिंग होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि अब मैंने इसको इसमें मिला दिया है, मैंने इसमें पहले से पानी ऐड किया, लेकिन आप ये चीज़ जान लो, जैसे कि मैंने इसको बना के रखा है ना, तो इसमें नॉर्मल पानी आप ज़रूर ऐड करें और तभी अपने प्लांट्स को दें। अपने प्लांट्स में पॉट के हिसाब से आप रख लीजिए और इन मतलब प्लांट्स में की जड़ों में दे दीजिए या स्प्रे बॉटल में भर के आप दे दीजिए। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों का आप ध्यान रख करके ना मनी प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। तो अब जैसे कि अब मान लीजिए कि मैंने तो ऐसे ही करा है, और अभी तो आप देख सकते हो मेरे पिछले वीडियो आप मनी प्लांट्स के देख लीजिए, उसमें मेरे मनी प्लांट बहुत अच्छे से चले थे, लेकिन अभी डॉर्मेसी से निकले हैं प्लांट धीरे धीरे करके मैं इसमें जो है। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप 15 दिन पे एक बार दीजिए,
और नेक्स्ट जो है फिर बदल करके आप कुछ और दीजिए, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र जैसे कि मैंने अभी दिया था 20 दिन पहले, तो अब मैं इसको ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप बहुत अच्छी से ग्रोथ पा सकते हैं मनी प्लांट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल अनहैप्पी गार्डनिंग।